हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर कच्चे आलू का नया नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आलू को छीलकर साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद हमें इसे कद्दूकस करना होगा। तो बारीक कद्दूकस कर लेंगे हम इसको, बहुत बारीक वाला, और इसके लच्छे जो हैं वो बनकर जो निकलेंगे बहुत ही बारीक बनकर निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिएगा सारे लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही बारीक भी हैं ये। तो अब हमें इसमें सूजी ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे 1.5 कप सूजी लेने वाले हैं, ये 1 कप है, और 1/2 कप सूजी हम और ले लेते हैं, तो ये 1/2 कप सूजी और गई इसमें। तो सूजी को डालने के बाद हमें इसमें पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आप इसको इसका बैटर बनाइएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हमें इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो इसीलिए देखिएगा आपको इसमें इतना पानी मिलाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। तो चलिए ढककर इसको रख देते हैं। तो 15 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा सूजी थोड़ी फूल गई है और ये जो बैटर था थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। मैंने तो यहाँ पे 1.5 कप पानी ही इसमें डालकर इसको थोड़ा सा पतला किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डाल लीजिएगा इसमें। तो चलिए मैंने थोड़ा पानी यहाँ पे डाला है 1/2 कप, और इसको मिक्स कर देते हैं। मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि बैटर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो ये देखिएगा बस इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा इसको। और इसमें टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल लेंगे, और 1/2 चम्मच से कम मैंने इसमें लहसुन पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और 1 हरी मिर्च कटी हुई ली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो मत डालिएगा इसमें। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है, और जब ये मिक्स हो जाए तो आप एक कढ़ाई में पानी 1 गिलास रख के और गैस पर रख दीजिएगा, क्योंकि हम इसको स्टीम करने वाले हैं इसलिए। तो इसमें हम खाना सोडा डालते हैं, तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और याद रखिएगा आपको इसमें खाना सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तो हम एक बर्तन लेंगे और उसमें चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे और उसमें इसको पलट देंगे। तो इस बर्तन में सारा बैटर आप पलट दीजिएगा, और इसको पलटने के बाद एक सार कर लेते हैं इसको। और अब देखिएगा मैं इस पर थोड़ा सा ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा गार्निश भी हो जाएगा ये, इसलिए डाला है, और थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा। तो चलिए इसे ले चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिएगा उबाल भी आ गया है, क्योंकि हमने पहले ही कढ़ाई रख दी थी गैस पर। तो अब इसको ढक्कन से ढककर रख देते हैं, तो ये 15 से 20 मिनट लेगा पकने में। तो हम 20 मिनट बाद ही इसको देखेंगे, और आप चाहें तो इसको प्लेट से ढककर भी स्टीम कर सकते हैं, ये उससे भी बहुत अच्छा स्टीम होता है। तो मैंने देखिएगा 20 मिनट बाद देखा है, तो बहुत अच्छा स्टीम हो गया है ये। तो देखिए छूकर भी देख लेते हैं, परफेक्ट बन गया है। तो इसके बाद हम चाकू की मदद से देख लेंगे, देखिएगा चिपका नहीं है, यानी कि बनकर तैयार हो गया है। तो गैस बंद करके 5 मिनट के लिए इसको इसमें ही छोड़ देंगे, क्योंकि पानी गर्म है अभी, तो ये और पककर तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद चलिए इसको किसी कपड़े की मदद से निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो देखिए हल्का ठंडा हो भी गया है ये। तो चाकू की मदद से पहले आप इसके किनारों को अलग कर दीजिएगा, बड़ी सावधानी से करना है आपको इसे, और उसके बाद हम इसमें कट लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कट ही लगाने वाली हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा कट भी लगा सकते हैं। तो कट लगाने के बाद अब चाकू की मदद से इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म सा ही है, तो इसलिए थोड़ी देर हो रही है इसको निकालने में, हल्का गर्म है ये अभी। तो देखिएगा बनकर तैयार हो गया ना, एकदम परफेक्ट नाश्ता, और ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसको बनाने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा ये पककर भी बहुत अच्छा तैयार हुआ है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय।